सिटी का वो भी हॉट टॉपिक बन गया था। आप जो है एक प्रमोशन कर रहे थे कोई चीज का, तो उसको जो है उसके ऊपर आपको फतवे भी लग गए आपके ऊपर, और हर कोई जो है डेली देखते कि आज मैं बात करने वाला हूँ उनके बारे में, हर कोई। लेकिन वो तो मेरी गलती नहीं दिखी ऐसा। और शहर में खाली कहीं भी गए तो अरे बैगन वाइंस और हैदराबाद डेरीज की लड़ाई, अरे बैगन वाइंस और हैदराबाद डेरीज वाले लड़ने गए, अरे ना क्या बोला देखा, अरे ना क्या बोला। तो सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी हुई, हॉट टॉपिक था शहर में, तो पूरा किस्सा क्या था ये? वो बहुत गलीज पीरियड था भाई, एकदम सबसे गलीज व्यूज आ रहे थे, जब समझते नहीं आ रहा था करना क्या है। उसमें क्या था, मेरी गलती थी इसलिए मैं सीधा सॉरी का वीडियो बना के डाल दिया। लेकिन अपने पास कैसा है बोले तो, गलती को जो उछालते हैं ओवर जो कर दिए थे लोग, बहुत ज़्यादा फैला दिए थे बात को। अब तो यूट्यूब पे ग्रो करना मेरे ख्याल से हैदराबादी ऑडियंस के लिए तो बहुत हैदराबादी यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई अब ग्रो करना। अब्बा रोजा रहे बार 3 बजे तक शूटिंग करे, घर को जाके तलवों को बर्फ घसे भाई, खतरनाक हालत हो गया। अब उठाओ मत बोल रहे थे सहरान तक खाली। यूट्यूब पे चला मतलब सेट है, अब ये चलाने का जब तक चला जब तक लोग पसंद करे इसको खींचना है समझो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैठक शो विद शहबाज खान। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके एक नहीं बल्कि दो दो फैमिली से एक ऑनलाइन फैमिली और एक ऑफलाइन फैमिली। इनकी जो ऑनलाइन फैमिली है उसमें हर हफ्ते कोई ना कोई गिचियां चलते रहते, कभी सास बहू की लड़ाई, कभी बहन भाई की लड़ाई, तो कभी मियाँ बीवी की लड़ाई, और बीच बीच में पड़ोसियाँ मामू कोई ना कोई आते रहते। यूट्यूब पे 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स और 700 से ज़्यादा वीडियो बनाने के बाद भी इन्हों आज तक कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, लेकिन फिर भी कभी कभी कंट्रोवर्सी इनके पास आके खटका मार के जाती। द मोस्ट फॉलोइंग यूट्यूबर ऑफ हैदराबाद वन एंड ओनली शाहरुख के अदनान। वाओ क्या बात भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। शहबाज भाई जो आप शो स्टार्ट करे द बैठक शो हैदराबाद का फर्स्ट पॉडकास्ट, मेरा भी प्लान था कब से की बट हुआ नहीं, लेकिन आप शुरू करे और मेरे को आज इतना रिलैक्स फील हो रहा भाई ना। तो रोज शूट का जो रहता है ये कैमरा फोकस लाइट से वो, अब खाली बैठना है ये बहुत सुकून का दिख रहा है, बहुत टाइम क्या ऐसा कर रहा हूँ। वेलकम आपका बहुत बहुत। तो अपन शुरुआत से करेंगे ना, बीच से करेंगे जैसा बोले वैसा। तो शुरुआत से अपन शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको, आप जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें जी जी, वो जी कैसा करें, किसी को देख के करें या कहीं से जो है इंस्पिरेशन लेके करें, यूट्यूब स्टार्ट कैसा करें आप? स्टार्ट तो ऑलमोस्ट अब तो 10 साल हो गए यूट्यूब स्टार्ट करके। फर्स्ट जो अबरार भाई है उन्होंने DSLR कैमरा खरीदे थे फर्स्ट टाइम, तो उससे कुछ उनको शौक था कुछ मूवी बनाने का वीडियोस बनाने का, तो एक 3 वीडियोस कर रहे थे हम लोग, जिप्पो और पुष्पलता बोल के हॉरर। तो बहरहाल 3 वीडियोस बना के रोक दिए थे चैनल को। उसके बाद उन्होंने कैमरा लेके चले गए थे खतर को, तो ऑलमोस्ट 1-6 महीने का ब्रेक आ गया था, छोड़ दिए थे बनाना। फिर मैं एक सुपर वूमेन बोल के यूट्यूबर थी उसको बहुत देखता था और कॉमेडी वीडियोज़ बनाने का उसको ही देख के आया इंस्पिरेशन। उसके बाद मैं कॉल करा भाई को, कैमरा भेजो भाई को, स्टार्ट करना है कुछ तो भी एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाना कॉमेडी वीडियोस बोल के। उसके बाद जो है फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा था मैं, थिंग्स हैदराबादी नेवर से बोल के, तो मेरा एक दोस्त था मास और उसका छोटा भाई है उमेर, उसके साथ फर्स्ट वीडियो बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद से वो थी स्टोरी कंटिन्यू वहाँ से। अच्छा ये HD जो चैनल है हैदराबाद डायरीज, आप इसके अकेले ओनर हैं, आपके कोई पार्टनर है, रेवेन्यू आपको ही आता नहीं और भी आने के बाद कट क्या की बोले थे ना क्विट बोला तो फिलहाल तो ऐसा देखा गया तो ओनर तो मैं छू जी, बट एज ए टीम मतलब पूरों को ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर आप तो नहीं ओनर है इसके। आपके पास जो अब ये कॉमेडी कंटेंट आप पहले बनाए, उसके बाद आज तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप कई सारे वीडियोस बना दिए और आपसे कई लोग इंस्पायर है जिसमें से हम भी एक है, तो राइटिंग जो होता तो इसकी आप खुद करते ना, आपको कोई राइटर्स लिख के देते? राइटिंग तो मैं कर लेता हूँ, मेरा आई थिंक मेरा टैलेंट राइटिंग ही है। एक्टिंग में तो अब तक भी मैं बोलता हूँ कि मैं एक्टर हूँ नहीं बिल्कुल भी, वो हस्बैंड का रोल 2 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स वो चल गया, अब लोग पसंद कर लिए, लेकिन राइटिंग मेरा टैलेंट दिखता मेरे को। तो अब जैसा 3 साल हो गए कि मैं फैमिली वीडियो स्टार्ट करा, बीच में जो है चैनल बहुत
उससे पहले फैमिली वीडियो से पहले बहुत ऐसा डाउन जाते जा रहा, और यूट्यूब का कैसा है, एक बार डाउन गया उसको उठाना बहुत मुश्किल है। बाहर से पूछा तो कंसिस्टेंसी भी रखना है यूट्यूब पे, अगर ब्रेक भी दिए तो चैनल डाउन कर दो। खास बात क्या है बोलते, देखिए सेम अब सीरीज बनाते कई लोग, हम भी जो है कोशिश करें चार पांच एपिसोड कुछ भी एक सीरीज बनाने की, कई लोग बनाते तो उसमें क्या होता कभी कभी चली तो चल जाती सीरीज, नहीं तो कभी दो चार एपिसोड के बाद पांच एपिसोड के बाद या एक सीजन के बाद बोर मारना शुरू हो जाता। लेकिन आप दस तीन साल से कर रहे हैं लेकिन आज भी जो है आपकी रीच डे बाय डे बढ़ती जा रही, तो इसका राज क्या है? आई थिंक ये जो फैमिली वीडियोज है हर कोई रिलेट करता, सिर्फ हैदराबादी नहीं कि हर एक की फैमिली सेम रहती। आई थिंक वही है रिलेटेबल कंटेंट जो रहता, सबके भाई बहन सेम रहते, सबके हस्बैंड वाइफ सेम रहते, तो वही लोगों को ज़्यादा पसंद आया। और फैमिली कॉमेडी बहुत है भी कम, मतलब फैमिली वीडियोज रिलेटेड तो उसे चल गया समझो। तो कॉमेडी लिखना मुश्किल है या आसान है आपके लिए? अरे बहुत मुश्किल है, ऐसा मेन मुश्किल मेरे को ऐसा दिखता है कि कॉन्सेप्ट आना मुश्किल है, उसके बाद मैं इजी मतलब लिख दे सकता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट आना बहुत मुश्किल है। आजकल तो कब से ही ब्रेक पे चल रहा हूँ, दो महीने हो गया ब्रेक लेके। अच्छा तो मतलब कॉन्टेंट जब लिखते आप तो आइडियाज क्या मतलब सोचते, हालांकि इतने वीडियोज बना दिए आप, कभी जो है बहन भाई के लड़ाई के ऊपर 2.03 कई सारे, फिर आइडियाज कैसा आते? पूरा मैं निचोड़ दिया, कपड़ा सूख गया, फिर कैसा आते आपको आइडियाज? आजकल तो वैसे आजकल तो वैसे ही हो रहा है, वैसे सुबह उठते कि मतलब मैं जो भी कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ अरे ये कर लिए वो कर लिए हो जा रहा, लेकिन अब मेरा प्लान है कि अब चेंज करना है कि अब मैं मार्च में सोच रहा हूँ कि एक घंटे की मूवी बनाऊँ। जैसा वेब सीरीज़ का बोल रहे थे, वेब सीरीज़ का मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि अब फर्स्ट सेकेंड एपिसोड्स को जितने व्यूज़ आते ना, थर्ड फोर्थ उसके बाद से व्यूज़ कम होते रहते, तो मेरे ख्याल से एक घंटे अगर वेब सीरीज़ बना रहे हैं तो सीधा मूवीज़ बना देना एक घंटे की डेढ़ घंटे की, तो उसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। आजकल जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, आशीष है और जो है हमारे अमित बड़ाना, ये लोग पूरे बड़े बड़े कंटेंट ही बना रहे। बीबी के वाइन भी ओटीटी पे आ गया, अब चेंज करना जरूरी है मेरा भी। तो वही सब प्लान है वो मार्च में मूवी करने का, इंशाल्लाह उस पर देखना है रिएक्शन। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप कोई जो है स्टोरी लिख रहे हैं, कॉन्टेंट लिख रहे हैं अपने चैनल के लिए, कहीं पे फंस गए, आगे कैसा लिखना समझ में नहीं आ रहा, आगे के सीन्स दिमाग में नहीं आ रहे, तो गुल्लू भाई से मदद लेते आप? गुल्लू दादा सिर्फ अपने सीना है तो बोलो बोलते ना, दूसरों पे इम्प्रोवाइज नहीं करते ना 100%, खाली उनका सीन रहा तो मेरे सीना दे बोल के डायलॉग है उसमें इम्प्रोवाइज करते, लेकिन दूसरों के स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। कभी कोई डायलॉग या कभी कोई सीन कॉपी करे आप? आई थिंक मेरे ख्याल से तो यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज रहते अपने को मालूम भी नहीं रहता, लेकिन किसी ना किसी के वेरिएशन रहता हो कॉपी का, तो हुआ ही होगा वो। और बीच में मैं जानबूझ के, अरे भाई ये है हल्लू डाल दो उसको जी फिरा के, वैसा तो करा इंग्लिश वीडियोस में से करा वीडियो था याद नहीं है, शुरू में तो बहुत करता था, मतलब लोगों को भी आइडिया मिलता, फैमिली वीडियोस का तो याद नहीं है, लेकिन जब शुरू में जब वीडियोस करता था बहुत सारे इंग्लिश यूट्यूबर्स जो थे उन लोगों को देख के करता था। अच्छा बेस्ट यूट्यूबर बनने के लिए या बेस्ट कॉन्टेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या जरूरी है? अब तो YouTube पे ग्रो करना मेरे ख्याल से हैदराबादी ऑडियंस के लिए तो बहुत हैदराबादी यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है भाई अब ग्रो करना, और मेन चीज़ तो कंसिस्टेंसी दिखती है मेरे को, वीडियोस डालते ही रहना है, बीच में जैसा ब्रेक लिए चैनल डाउन हो जाता और दूसरे क्रिएटर्स आ जाते, ऐसा कहीं को तो। लेकिन हम लोग देखते जैसा कि कैरिमिनाटी है, बड़े बड़े जितने भी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों का महीने में दो महीने में फिर भी उन लोगों को रीच आती वही आती और बढ़ते जाती, हम एक हफ्ता कम हो जाते उन लोग वीडियो डाले तो ऐसा होता है आर्टिकल्स आ जाते हैं उन लोग का बहुत नेक्स्ट लेवल है, उन लोग के सब्सक्राइबर्स भी बहुत है और हर जगह जैसा फिल्मों को जो है प्रमोट करते ना बड़े बड़े, तो यूट्यूब को भी ऐसा करना जरूरी हो गया शायद आजकल। अब जैसा इंस्टाग्राम पे भी उन लोग के ज्यादा फॉलोअर्स रहते हैं, उन लोग एक स्टोरी डालते हैं कि पूरी ऑडियंस, अगर यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन भी नहीं आया इंस्टाग्राम के थ्रू चले जाते हैं लोग, कभी कभी नहीं आता नोटिफिकेशन कहीं को भी, वो यूट्यूब का इस प्रॉब्लम दिखती है मेरे को, जैसा अपनी कंसिस्टेंसी कम होती ना पूरा गिराते रहता है यूट्यूब चैनल, आपको भी दिखा ही होगा वो बहुत बार दिखा, हम तो खाली वीडियो आते कि मैं तो खाली 1500 हो गया भाई, अच्छा मेरा रिएक्शन बढ़ जाता पहले डाले एक घंटे में 10,000 है, दो घंटे में 70, एक घंटे में 10,000 भाई, तो ऐसा रहता। अच्छा तो HD फैमिली बनी आपकी अभी जो चल रहा फैमिली वीडियोस, वो आहिस्ता आहिस्ता आप क्रिएट करें इसको, पहले बीवी को लाए फिर पापा को लाए फिर बहन को लाए, ये सब चीज़ें करते, पूरी फैमिली कैसा बनी और इसका कैसा बनते गई जुड़ते गए लोग? फर्स्ट सिस्टर का कैरेक्टर था छोटी सिस और ब्रदर, वो बहुत ज़्यादा चला, उसके बाद फिर वाइफ का कैरेक्टर, फिर सास का कैरेक्टर आया, उसके बाद उन लोगों का करते करते ऑडियंस को
और नए नए कैरेक्टर्स होना था, उस हिसाब से जो है मामू आ गए, ससुरे आ गए, वैसा कैरेक्टर बढ़ा समझो। तो इन लोगों से आपकी जान पहचान पहले से थी, दोस्ताना था, जैसा कि जैनब है, आरती है, और जैसे हमारे ऑलरेडी अल्ताफ साहब, तो हमारे गुल्लू से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इन लोगों से आपका कैसा कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ? सिस्टर जैनब तो पुरानी दोस्त है बहुत पहले से, और उन्हें एक आई थिंक हमारे पास फीमेल आर्टिस्ट सुनी थी जब फर्स्ट यूट्यूब में कौन सा वीडियो करा था, फर्स्ट स्टेप्स बिफोर एवरी डेड वर्ल्ड का एक वीडियो था, उसमें फर्स्ट जैनब ही चेक दोस्ती मेरी तो उसको लेके करा था, जब से मतलब है समझो टच में। और छोटी सिस आरती मेरे को कॉमिक कॉन में मिली थी, इंटरव्यू कर रहे थे हैदराबादी, जब हाँ बोलने का उसको बहुत शौक था कि हैदराबादी वीडियोस करने का, जबरदस्त कर रहे थे, हाईलाइट था वीडियो का पूरे। तो वहाँ से टच में समझो खाला, तो अपने अम्मी तो कैरेक्टर तो हमारे खाला है, नानी खाला है, हाँ नानी खाला है समझो, उनसे तो और ज्यादा बूम हो गया उन्होंने, क्योंकि आपका क्या हुआ तो एक कैरेक्टर जैसा आए लोग उतना पसंद करते थे, कभी कभी क्या होता कैरेक्टर से बोर हो जाते, आपके पास जैसा जैसा नए कैरेक्टर आना शुरू हुए लोग और एंगेजमेंट बढ़ते गई। तो इसमें जैसा कि जैनब की आप बात बोले, तो जैनब जो है कभी कोई दूसरे यूट्यूबर के साथ काम करते हुए नहीं दिखे, बाकी के जितने आर्टिस्ट हर किसी के साथ काम करे, तो ये मतलब आप उनको रोक नहीं, नहीं मैं दूसरे आर्टिस्ट को तो कभी नहीं रोकता, जहाँ करना है जिधर करना है कर लो अपन, क्योंकि मतलब जैसा मैं बोला पार्टनर तो ऐसा है नहीं, उन लोग भी मेरे पास काम ही कर रहे हैं, तो अब दूसरे काम से मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं, आई थिंक कोई अप्रोच नहीं करे होंगे, आप करके देखो। नहीं कई लोग डर के नहीं करते। अच्छा एक वीडियो जो आप बनाते हैं आजकल, तो उसका एक वीडियो का बजट कितना रहता है आपका, और उसके रिटर्न्स कितने रहते हैं यूट्यूब से? बजट तो आई थिंक खाली खाने का पड़ता है, लंच आजकल दो दो बार हो रहा, लॉन्ग वीडियोज चल रहे बस उतना ही है बजट, घर में शूट होती है मेन अच्छी चीज यही है कि जो घर में शूट हो रही ना जितना सुकून है, आप जो आउटडोर करते कितनी तकलीफ होती, खासकर समर्स में तो छोड़ देना है, नहीं करना तो मैं तो कर ही नहीं सकते है भाई। भाई हमारा तो रमजान में करे, अब्बा रोजा रहे एक बार 3 बजे तक शूटिंग करे, घर को जाके तलवों को बर्फ घसे भाई, खतरनाक हालत हो गया, अब उठाओ मत सहरन तक खाली, अब फिर रमजान आने वाला है अब। तो रिटर्न क्या रहता फिर, मतलब जैसा आर्टिस्टों को भी पे करना रहता ना भाई? हाँ, मेन अरे हाँ मेन बजट तो आर्टिस्टों का बढ़ गया एकदम, पूरे हल्लो हल्लो बड़ा बोलते हैं। तो आर्टिस्टों का ही है समझो खर्चा, तो रिटर्न्स फिर आपको अच्छा खासा हो जाता ना, जैसे हैदराबादी फिल्मों के सर कहे भाई इसमें रिटर्न्स नहीं, रिटर्न्स दिसंबर तक तो अच्छे थे, जैन फेब से जरा वीडियोज नहीं दार रहो ना, दो वीडियो लास्ट वीडियो के तो व्यूज बहुत बेकार आए भाई। अच्छा फिर एज ए यूट्यूबर आप मंथली इनकम क्या है आपकी? आई क्विट चल रहा था समझो, अलहमदिल्ला अच्छा चल रहा, अब लेकिन अब चेंज करना जैसा मैं बोला चेंज करना जरूरी है, क्योंकि इनकम भी जब जैसा जैन फेब से तो थोड़ा डाउन ही चल रहा, एक अंदाजा चल रहा। आई थिंक कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलता भाई, कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलता, आप भी नहीं बोले होंगे, कोई कोई नहीं बोलता, कार ले सकते समझे, हाँ सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड ऑल्टो ले सकते समझे। हैदराबाद डायरीज जो है वो पहला हैदराबाद का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो मुंबई फैन फेस्ट में गए थे, रेड कारपेट पे आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, चिकन मटन बिरयानी मौत डाल दिए थे, तो वो कैसा हुआ और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, रिस्पांस कैसा रहा? ये जो आपकी भी सेम कंपनी MNC जो सिलीमोक्स है, उन लोगों के थ्रू यूट्यूब से कॉल आया था कि उससे पहले के साल जब परफॉर्मेंस से पहले के साल पे खाली हमारे को बुलाए थे देखने के वास्ते, फिर उसके नेक्स्ट ईयर बुलाया कि परफॉर्म करने का है, तो सिलीमोक्स के थ्रू हम लोग को बुलाए थे। उसके बाद जो स्टेज के पीछे जो है वह थी, मेरे को आपको तो मालूम है ज़्यादा जाता नहीं वायर, और ऊपर से मुंबई का क्राउड 5,000 लोग हैं कुछ से भाई, जब आपका ये वायरल चल रहा था चिकन मटन, चिकन मटन बिरयानी बहुत वो गाना, उसका रिस्पांस कैसा रहा आप लोग जब शो करे या परफॉर्म करे? तो रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त था, खासकर हैदराबादी ऑडियंस पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला इधर फेसबुक यूट्यूब पे बहुत, मुंबई का वहाँ पे जो लाइव ऑडियंस थी मुंबई का आई थिंक सही बोले तो मतलब थोड़े लोगों को पसंद आया, उतना नहीं चला, उसके नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ साउथ को बंदिश कर दिए, साउथ का यूट्यूब फैन फेस्ट अलग हो रहा, क्योंकि नॉर्थ के लोगों को अपना समझने नहीं आता। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर वो? एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त, पहला आपका स्टेज शो था, पहला स्टेज शो था ज्यादा, फिर आपको अंदर से एक
स्टेज के पीछे तो जो हैवत थी मेरे को अब जाना है नाम कभी कभी हैवत हुई तो पेट में लगी छोटा अंदर से खींचता लेकिन फिर एक बार जब स्टेज पे चल जाते स्टार्ट होता उसके बाद चल जाता हो रीच ज्यादा मायने रखती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले तो रीच थी वही अब रीच के साथ रीच ही है तो मतलब फाइनेंशियली वो सही रहता रीच ही होना है आजकल तो सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाता है अपने वही है सेटिस्फेक्शन क्योंकि खर्चे भी बढ़ गए और पहले बहुत आसान था वीडियोस बनाना खाली फोन ले लो अरे भाई तो आ जाओ तो भी आते थे भाई कल आ जाओ अरे मैं कल बिजी हूँ भाई अरे भाई परसों नहीं नहीं मैं अच्छा, पेमेंट का, ये पेमेंट का है भाई कल आ रहा हूँ मैं वही पहले का यूट्यूब बहुत अलग था भाई मैच कितने कैरेक्टर अम्मी वाइफ बन जाता था ओढ़नी डाल ले आजकल नहीं चल रहा हो अच्छा शूटिंग पे कोई फनी किस्सा अब तक का सबसे फनी शूटिंग पे फनी किस्सा ऐसा तो कुछ बहुत होते हैं आपके पास आप जो है ब्लॉग्स भी डालते हैं हाँ ब्लॉग्स पहले का आपका आज का कल का मतलब वही शूटिंग का सेट में हमेशा ये बोलते हैं एकदम फैमिली कैसे दिखता है उतना वो कनेक्शन हो गया सारे वीडियोस आपके साथ एकदम रिश्तेदार ही दिखते हैं जब पूरे जब बैठ बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहता आर्टिस्ट के ऊपर आपके पास शूट पे वो सीन है समझो हमारे पास क्या अरे भाई वो लाइट शाम में वापस करना है अरे वो कैमरे शाम में 7 बजे तक का टाइम है और प्रेशर में आता आर्टिस्ट मेरी किस्मत तो ये दिखती है जो घर का जो कॉन्सेप्ट बन गया ना लेकिन अब पब्लिक भी बसोगे भाई पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं बोल रहे हैं बस घर का लगता है भाई रीच आपकी अभी भी है और सही कई सारी गुंजाइश भी है कैरेक्टर्स की और कौन कौन आएंगे फैमिली में आपकी अगर इसको आगे बढ़ाए तो आप अब तो आई थिंक जैसा मैं बोला मूवी का ही कुछ अब कॉन्सेप्ट चेंज करना है एवरी मंथ एक घंटे का कुछ तो भी करूंगा बल्कि अब 1 मार्च में ट्राई करके देखना है पब्लिक को पसंद आया तो नेक्स्ट आई थिंक मैं वही करूंगा एवरी मंथ 1 घंटे की मूवी फनी किस्सा कौन सा था कोई शूटिंग के सेट पे याद आ रहा आपको या फिर जो याद आता हमेशा फनी किस्सा तो ऐसा नहीं हुआ भी कुछ भी शूट पे याद कर रहा हूँ मैं जब से ऐसा तो नहीं है बीच में याद आ रहा है बढ़ाना है क्या बोलते तो उससे बना के नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सवाल है और बहुत अच्छी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं तो हमारे जो मिलना है कॉन्टेंट वो तो मिल जा रहा कॉन्ट्रोवर्सी की बात करेंगे अपन I quit. तो सबसे पहले आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी जो हम लोग देखे थे और जब हम लोग यूट्यूब भी स्टार्ट बिल्कुल भी स्टार्ट करे थे आप लोगों को देख के ही और हैदराबादी फिल्म देख के बिल्कुल स्टार्ट करे थे जब शहर में खाली कहीं भी गए तो अरे बैगन वाइन्स और हैदराबाद डेरीज की अरे बैगन वाइन्स और हैदराबाद डेरीज वाले लड़ने गए अरे बोला देखा अरे बोला तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई हॉट टॉपिक था शहर में तो बहुत ज्यादा और तकरीबन मैं समझता जहाँ जहाँ पर भी ये हैदराबादी पसंद करते आप लोगों को देखने वाले हर जगह यही चर्चा चल रही थी खाली तो पूरा किस्सा क्या था ये मेरे को याद भी नहीं है कुछ Q&A में कुछ उन लोग के Q&A में कुछ बोल लिए थे उन लोग फिर हम लोग रिप्लाई कर रहे थे किस्सा मेरे को एक्चुअली सही में याद भी नहीं है क्या सीन क्या हुआ था आई थिंक कोलैब के ऊपर हुआ था शायद याद नहीं है बहरहाल लेकिन अब अगर हम मैं अब सोचा बोले तो एकदम बहुत आखिरी स्टूपिड दिखता है वो आजकल मतलब अब रिप्लाई करना तो मेरे को सबसे पहले तो रिप्लाई करना है जब स्टूपिड दिखता पहले जब वो कर लेके एकदम वीडियो बना के डालना तो अब सोचे तो कैसा क्या होता कई कुकर आ गया मैं बोल के ये बीच में जो चला फिर आप भी वीडियो डाले उन्होंने भी वीडियो डाले माइक ड्रॉप का भी आप डाले थे क्या किस्सा था आप देखे क्या वो फिर से मैं तो याद नहीं आ कुछ तो है आप बोल दिए उन्होंने कुछ बोल दिए अरे उन्होंने आज हमारे बारे में ये बोले बोल के इनडायरेक्टली भी था थोड़ा मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोले कोई भी किसी के बारे में अलग सीन था वो लेकिन बहुत ज्यादा चला था हैदराबाद में लेकिन अब रिप्लाई देना तो अब हरगिज बंद ही कर दिया सिर्फ अच्छा, काम करने का वो खत्म कैसा हुआ अबरार भाई और मोहम्मद भाई बोल के अरे हाँ फिर कॉल पे हो गया कॉल पे कॉम्प्रोमाइज हुआ था मोहम्मद भाई का कॉल आया था शायद वो म्यूचुअल्स के थ्रू कॉम्प्रोमाइज कैसा होता लड़ाई अरे भाई अपने चाहिए अच्छा, तो फिर उसके बाद रिलेशन कैसे बन गया अब तो नॉर्मल है उसके बाद से मतलब कुछ ऐसा लड़ाई वड़ाई कॉन्ट्रोवर्सी उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ एक बार मस्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है समझो हाँ तो उसके बाद और एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी जो है जो के सिटी का वो भी हॉट टॉपिक बन गया था आप जो है एक कोई XYZ जो है कोई एक प्रमोशन करे थे कोई चीज का तो उसको जो है उसके ऊपर आपको फतवे भी लग गए आपके ऊपर और हर कोई जो है डेली देखते कि आज मैं बात करने वाला हूँ उनके बारे में हर कोई हर कैटेगरी के लोग आपके ऊपर वीडियो बनाए एक साल तक नहीं चला हो गए वो तो ये क्या किस्सा था
एक साल के बाद भी लोग पूछते थे भाई वो क्या तो भी हुआ बोल के। भाई तो एक जने फोन करे भाई अरे वो मालूम हाँ भाई क्या हुआ, अरे अच्छा हाँ हाँ जी हाँ बुक कर दिए गए थे अब दो दिन में जाने वाले हो क्या बुक कर दिया, अरे केस आप बुक हो गए लोगों के ऊपर वो पूरा अपर से चल लेते आ रहा हूँ सीपीगंज से वो केस, अरे मैं बोला ये क्या है भाई? हर कोई अपने तौर पे जो समझ में आ बोल रहा था। तो किस्सा क्या था एक्चुअली वो पूरा वही चेक ऐप को प्रमोट कर रहे थे वो वाला ऐप था, उसमें क्या था मेरी गलती थी इसलिए मैं सीधा सॉरी का वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन अपने पास कैसा है बोले तो गलती को जो उछालते ओवर जो कर दिए थे लोग बहुत ज़्यादा फैला दिए थे बात को, लेकिन मैं देखता हूँ भाई अपनी जब गलती रहती ना इज्जत से खामोश बैठ के माफ़ी मांग लेने में तो गलत था, आप एक्सेप्ट कर लिए वो ऑलरेडी आप वीडियो भी डाले थे वो कर लेके डाल दिया मैं, आई थिंक वो इज बेस्ट रहता भाई अपनी गलती अपने को मालूम तो उसके ऊपर भी मैंने अरे भाई गलती सही नहीं मांगा है नहीं अरे ऐसा आके मोतावरी में वो माफी मांग लिया तो सेटिस्फैक्शन 100% ऑडियंस को दे ही नहीं सकते भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता। उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? उसके बाद मैं वीडियो में बोल भी दिया था कि नेक्स्ट टाइम से तो मैं कुछ ये रिप्लाई देने वाला हूं भी नहीं और ये वीडियो भी 3 दिन में निकाल दे रहा हूं बोल के 3 दिन में वो भी निकाल दिया था मैं, तो लेसन वही है कि जब अच्छा मिला था वापिस उन लोगों को पब्लिसिटी ज्यादा हो गई भाई कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी हो गई उन लोगों की। उसके बाद और एक कंट्रोवर्सी भी आपकी हाल हाल में कंट्रोवर्सी बोलता मतलब कुछ लोग नाराज हो गए थे आपसे कुछ सेलेक्टिव लोग कि आप जो है कम्युनिटी के बारे में बोल रही हमारे जो जिस कैमरे से आपका भी रिकॉर्ड कर रहे उन लोग थोड़े से कुछ लोग नाराज हो गए जो है वो लोग कुछ कंप्लेन कर क्या हुआ था वीडियोग्राफर्स का चला था वो सीन तो, लेकिन वो तो मेरे को वो तो मेरी गलती नहीं दिखी ऐसा और YouTube पे ऐसा 10,000 वीडियोस है वीडियो मैं कल एक वीडियो देखा हमारे प्रोफेशन पे हैदराबाद का छे हमारे कुछ सीनियर आर्टिस्ट है उसमें एक जोक उन्होंने बोल रहे हैं मैं देखा तो वो मैं बोला अरे भाई इसके सामने तो वो तो कुछ भी नहीं है बोल के वो उन्होंने क्या बोले कि हमारे एक हैदराबाद के पॉपुलर आर्टिस्ट है उनका एक जोक है उन्होंने क्या बोले कि भाई एक जगह फंक्शन चल रहा था तो एक रूम में पूरे लेडीज थे तो कोई आके खटका मारे खटका मारा तो अरे यार नक्को ये जनाने का सेक्शन है बोलते अरे भाई खोलो 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 तो खोले तो भी है बोल के अंदर से और खाला पूछे आई कौन है कोई मर्दाना है आई मर्दाना नहीं है कैमरा मैन है बोले तो ये भी चीज देखा मैं तो इसके सामने तो फिर ये कुछ भी नहीं अगर बहुत बड़ी चीज है ये तो हाँ तो वो तो चुप चला दिया ऐसा दिखा मैं खाली पीली के प्रमोशन गुल्लू भाई को भी कोई व्हाट्सएप पे कुछ रिकॉर्डिंग एक वायरल कर रहे थे गुल्लू भाई सफाई कुछ बात कर रहे थे उनसे ये इसी में भाई देखो हमारे को भी कई सारे चीज़ें बोले हम कभी रिएक्ट नहीं करे बोल के गुल्लू दादा भी बनाए थे वो एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उनकी हाँ वो तो याद नहीं है बट जैसा इसका इसलिए रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि इसमें मेरी गलती थी भी नहीं और वो एकदम नॉर्मल जोक था उतना फैला दिया वो पब्लिसिटी को करे क्या आएगी, लेकिन अगर गलत दिखा तो सॉरी ना बोलता हूँ मेरी गलती नहीं थी जी। एक यूट्यूबर या फिर एक इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं भाई उनकी जो मेन इनकम सोर्सेज रहती एंडोर्समेंट से प्रमोशन से और जो है एड रेवेन्यू से ज़्यादा रहती उनकी, तो आप जो है हम देखे कई साल से जो है कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे किसी की ब्रांडिंग नहीं ले रहे तो कई को ऐसा यूट्यूब से दबा के मैंने वैसा नहीं है अरे नहीं भाई बहुत टाइम के बाद स्पॉन्सर आया लास्ट वीडियो में एक वो एक मैट्रेस का स्पॉन्सर है बहुत टाइम के बाद आई थिंक यूट्यूब पे स्पॉन्सर्स बहुत कम हो गए क्योंकि इंस्टाग्राम के जो रील्स में है बहुत सस्ते में और बहुत ज़्यादा रीच हो जा रही यूट्यूब पे बहुत कम हो गए स्पॉन्सर ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ नहीं आ रहे नहीं ऑनेस्टली वो है बात तो एक साल से नहीं आया आपको छः महीने से बहुत कम हो गए भाई स्पॉन्सर्स मैं बीच में ये भी सुना था कि आप खुद भी नहीं कर रहे बोल के कोई स्पॉन्सर नहीं ले रहे बोल के भी सुना था नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं स्पॉन्सर हाँ स्पॉन्सरों से ही कमाते यूट्यूबर अच्छा मूवीज भी करे आप कई सारे छोटे सिक्के करे दुबई रिटर्न्स करे और दो ही करा तो मूवीज का एक्सपीरियंस कैसा था आपका मूवी का एक्सपीरियंस आई थिंक अपने मूवीज का जो एक्सपीरियंस रहता ऑलमोस्ट सेम ही रहता अपने यूट्यूब वीडियोस के साथ अपन भी तो पहले दिन सेट पे गए तो क्या नई चीजें थी आप जरा वीडियो तो बनना और उसके अलावा पहले भी सेट्स पे जाते थे गुल्लू भाई के शूटिंग पे व्लॉग व्लॉग बना लेता था तो जब से ऐसा सीन वैसी था कि जब लेकिन आप खुद जब इतने लोग है पहले तो घर में बना लेते करीबी 2-4 लोग है वो चलता था जब इतने लोग देख रहे हैं क्या बोलता कि रिएक्शन कैसा था मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका वही आई थिंक वही शुरू में हैवत रहती भाई मेरे को शुरू में हैवत रहती उसके बाद एक बार फ्लो में आ गया बाद फिर कैमरे में तो मतलब एकदम चले आते तो अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त एक्सपीरियंस था उसका बहुत
कुछ यादगार किस्सा कुछ है क्या, जो कोई सीन पे सेट पे? खोटे सिक्के में जो आई थिंक डिफरेंट यही था, एक्शन सीन जो था मेरा, दो दिन की शूट थी वो बहुत वायर से वो लगा के लाख का खर्चा हो गया, अरे बोल रहे थे आपके, लेकिन वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और लेकिन हालत बहुत, दो एक हफ्ते तक बुखार था, वो बहुत टफ जॉब रहा था वो एक्शन का, लेकिन बहुत मजा आया। और वो जब सीन आया एकदम जो खुशी हुई एकदम एक्शन कर रहा था देख के, आपकी वो होगी कि वो थिएटर में नहीं आ सका। हाँ थिएटर में नहीं है कोविड की वजह से, थिएटर में देखने की थी वो एंट्री सीन तो बेहतरीन बना था। बॉलीवुड या टॉलीवुड या फिर कोई सीरीज में अभी तक नहीं दिखे आप, आपके चैनल से हटके या फिर अपने ये मूवी से हटके? अब तो अपना ही कर लेना है भाई, हैदराबादी आई थिंक बहुत मुश्किल है बॉलीवुड टॉलीवुड में जाना। अपना जो हैदराबादी लैंग्वेज है बहुत रीच उतनी नहीं है जितनी तेलुगु है, हिंदी स्पीकिंग है ना, ऑनेस्टली, इसलिए अपने को ज़्यादा होता बॉलीवुड में आता नहीं टॉलीवुड में आता नहीं। अब आजकल सोशल मीडिया पर कई सारे लोग वायरल होते हैं कि जो है बड़े बड़े टेलीविजन शोज में, बिग बॉस में मूवीज़ के लिए मिल जाता उन लोगों को ऑफर। अब जैसा कि 07 भी है, उन लोग अभी जो है रील्स या टिकटॉक बना के, उन लोगों की रीच बहुत ज़्यादा है अब कंपेयर टू अपन हैदराबादी। आई थिंक कोई भी उनसे पुराने हैं नहीं है तो 2017-16 में स्टार्ट करे, 18 में कुछ स्टार्ट करे वो लोग, तो किन लोगों की बात बोल रहे हैं? 07 टीम की। हाँ उन लोग, अरे उन लोग तो टिकटॉक से बहुत बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो आप फिर सोशल मीडिया पे इतना कहीं नहीं रहे फिर, मतलब रील्स वगैरह पे, टिकटॉक पे भी नहीं थे आप ज्यादा? अपनी जो रीच है हैदराबादी की लैंग्वेज ही है भाई जो अपने को ज्यादा पुश नहीं देती। तो आपके पास कैसा टैलेंट है, अपने पास जैसा जो टैलेंट है ना उस हिसाब से देखा गया तो बॉलीवुड में रहना था। फिर मैं अपना रात में इंडिया में होकर रात भर मैं कहीं कोई क्या, अपना मेन ड्रॉबैक लैंग्वेज है इसलिए हैदराबादी कोई भी उतना ज्यादा गया नहीं, सिवाय एक मियां भाई सॉन्ग 500 मिलियन व्यूज एकदम, वो तो भी उनको गाने दिए ज्यादा नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड है। सलमान खान भी रूहान अरशद को गाना दिया। अच्छा OTT पे कभी दिखेंगे आप, कुछ प्लान चल रहा है या फिर आप खुद जो है कोई OTT के लिए बनाने वाले सीरीज वगैरह? नहीं आई थिंक अब तो मैं, मेरा ही चैनल हैदराबाद डायरीज कुछ ज्यादा करने का है भाई, इस पे ही बनाने का है और एक्सपैंड करके अपना ऑडियंस अपना रीच। टाइम ही नहीं है दूसरे का, स्क्रिप्ट में बहुत टाइम चल जाता है भाई कुछ करने। तो राइटर्स हो या क्यों नहीं हायर? राइटर्स बीच में करा था मैं, होता मेरे साथ भी होता कि दूसरे लिख के ला तो वो एक भाई अरे नहीं अपन नहीं कर सकते। बीच में डाला था मैं, वीडियो में भी डाला था राइटर्स होना था, आई भी राइटर्स उसके वीडियोस भी बनाया मैं लोग स्क्रिप्ट लेके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर एक स्क्रिप्ट दो स्क्रिप्ट के नहीं नहीं अमाउंट बड़ा दो स्क्रिप्ट के बाद खत्म, उसके बाद से वही चाह रहे। कभी कभी क्या होता मालूम है, अपने को मालूम नहीं रहता, कुछ राइटर आ रहे थे, अरे भाई मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, जैसा कि तबर भाई का डायलॉग है हम शायर है इसीलिए घर के बाहर है, तो वो भाई मैं फला राइटर हूँ वो लिख दिया लिख के ला लेते सीना। आप जो है देख लेके सेटिस्फाई होके कभी बना भी देते या फिर देख लेके खुश होते हैं, जबरदस्त स्क्रिप्ट मिल गए, थोड़े दिन देखे बाद फेसबुक पे या यूट्यूब पे या फिर कोई फिल्म का सीन दिखता अरे यहाँ से मार के ला है, तो इसलिए भरोसा नहीं कर सकते जब तक उन्हें वो जो स्क्रिप्ट का कुछ होता ना वेरिफिकेशन। अपन नहीं बोल सकते कौन सी भी क्लिप का रह सकता है, बात तो सही तो है। मैं इसलिए जो है बाहर के राइटर्स को हायर नहीं करता हूँ। थोड़ी बार करा था एक साहब को, थोड़ा सा हो गया मसला में बोला अरे जबरदस्त लिख रहे हो, सीन था अरे भाई सेम टू सेम कॉपी करते सीन अपन, अरे क्या लेवल का लिखा सो देखे तो क्या बहुत बड़ा राइटर लिखा सो हो। तो ऐसा कभी हुआ क्या कोई लाके दे दिए स्क्रिप्ट? ऐसा सीन तो नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैं बोला एक दो स्क्रिप्ट अच्छे लिखे उसके बाद से मेरे को बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकते वो तो सही बात है, उसके बाद से नहीं समझ उसके अच्छा। इतनी मेहनत करने के बाद रिमार्क आ जाता या फिर जो है दूसरा कोई कॉपीराइट दे दिया या स्ट्राइक कर दिया तो वो एक परेशानी, और एक नाम किए करे भाई नो उनका वहाँ अच्छा तो इन यहाँ से चोरी करके बना रहे वो भी हो जाता है, तो बहुत संभल के करने का ये मामला। यूट्यूब के अलावा कोई जॉब कोई बिजनेस कोई और चीज? यूट्यूब पे चला सेट है, अब ये चलाने का जब तक चला जब तक लोग पसंद करे इसको खींचना है। लोग तो आपको पसंद कर रहे और इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से मिनिमम 20 साल तो है और पसंद इंशाल्लाह और भी आगे तो बहुत करेंगे हमारी दुआ है। एक यूट्यूबर बनना, वीडियोस बनाना और हजारों डॉलर कमाना दिखने में जितना आसान दिखता ये उतना आसान है या मुश्किल है? बहुत बहुत हद से ज्यादा मुश्किल है, और आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा जो भी नए आते हैं सेट पे फर्स्ट टाइम जब शूटिंग देखते हैं एक ही बात बोलते हैं भाई ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है काम है, थक जाती है एंड तक हालत तो लोगों को दिखता नहीं वो चीज़। सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग
मैं स्ट्रेस आखिरी स्ट्रेस हो दो साल से स्ट्रेस की वजह से पूरे पैचेस हो गए थे भाई। अरे हो जाता 100% एक साल तक मैं शेव डेली शेव बनाना पड़ता था पूरे पैचेस। कई हॉस्पिटलों में गया हकीमों के पास गया स्ट्रेस से तेल लगाओ बोल के दे रहे वो करो वो एक हजाम के पास गया तो ना भाई इसको अदरक घसो हर अपने फॉर्मूले दे रहे तो स्ट्रेस से और इंजेक्शन भी दिए एक स्किन के डॉक्टर के पास गया तो यहाँ पे जाना पड़े थे। एक साल तक मैं जो है वो स्ट्रेस की वजह से पूरे पैचेस आ गए थे मेरे। मेन स्ट्रेस तो होता ही और खासकर जब अपन करते रहते जब व्यूज नहीं आते रहते खाली हाथ में पैरा मार लेना रहता अब क्या डाले तो पसंद आएगा ऑडियंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता। और उसके बाद मेन आई थिंक स्ट्रेस स्क्रिप्ट्स का ही रहता फिर शूटिंग का अब दूसरों से हटके भी बनाना बहुत सारे चीज़ें हैं। शूटिंग पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है अब टाइम फिक्स करके रखते हैं अपन अब लाइट चले गई कैमरे का जो है बैटरी वो भी गिच्चे होते हैं साउंड की आर्टिस्ट की तबीयत खराब हो गई तो भी पोस्टपोन होता बहुत मसले रहते लोग नए लोग अरे अपन 3 लाख का मारा महीने को 50,000 नहीं कमा सकते 50,000 नहीं कमा सकते डाला अरे इतना तो वहां से आ एक आध डाले एक आध निकल भी जाता अब उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता फिर 15 दिन के बाद उल्ला लड़ लेते और वो एक दो वीडियोस बनते हैं खाली क्या नहीं हो सकता हो। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले आप आउटडोर की बात कर रहे थे इंडोर शूटिंग में मस्त सुकून से कर लेते बोल के तो आप आउटडोर शूटिंग नहीं करने का रीजन क्या है? अब यही पसंद कर रही है पब्लिक तो वो भी है एक्सपेरिमेंट जो आप बीच में करते थे कि हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट और दूसरे चैनल्स भी खोले थे एक जालिम आदमी बोल के भी आप स्टार्ट कर रहे थे। अरे क्या याद है भाई आई थिंक 6 साल हो गए शायद वो एक वीडियो डाला था वो रोस्टिंग चैनल था वो और जब रियलाइज करा मैं हैदराबाद में रोस्टिंग नहीं चलती खामोश बैठा अलग रोस्टिंग हो गई थी मेरी वो तो हैदराबाद में रोस्टिंग चैनल लगो खोलो भाई अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो यहाँ बिल्कुल भी हजम नहीं होता ऑडियंस को। तो आप आउटडोर कहीं को नहीं करते शूटिंग कुछ आउटडोर तो अब जैसा कि ये अब मेरा चल रहा है तो इसलिए भी इस पर नहीं कर रहा था मैं लेकिन अब पब्लिक खुद मसले भी बहुत ज्यादा रहते हैं लाइटिंग का प्रॉब्लम साउंड सबसे मेन तो साउंड। हमारे पास जो है एक माजिद भाई बोल के है शेरू भाई इब्राहिम हाँ। ये 3-4 लोगों से पूछो आप माइक का कैसा रहता साउंड का बहुत ये रहते थे और आवाज आवाज आ ये वो अरे भाई बहुत मुश्किल काम है वो क्योंकि बूमर और माइक कॉलर माइक का जो है दिक्कत आ जाते बहुत प्रॉब्लम होता तो मेन साउंड ही रहता भाई क्योंकि अपन डबिंग नहीं करते डबिंग करना आसान है लेकिन डबिंग करे तो काम डबल हो जाता काम आर्टिस्ट टाइम ही नहीं आते वो भी सीन हो जाता और वो फिर बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं मतलब नए आर्टिस्ट किसी को ले रहे तो आप अब खाला से कराना बोलता आपका बहुत मुश्किल आता वीडियो मेरे को ही करना पड़ता उनकी डबिंग आई बेटे तुम अभी तक नहीं करे मेरी डबिंग लेकिन उनकी आवाज बहुत क्यूट है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं उनको। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है पूरा स्क्रिप्टिंग लेके या फिर स्क्रिप्टिंग छोड़ के शूटिंग के लिए? शूटिंग का मेरी हर शूट 8 से 9 घंटे की रहती हाँ। तो और हमेशा एक दिन में एक करने का प्लान रहता है। 9 घंटे की शूटिंग करे तो फिर कंटेंट कितने मिनट का था? 12 से 15 मिनट का आजकल तो 12 से 15 मिनट की वीडियो जा रहा हूँ। टाइम लगता है स्क्रिप्टिंग मेन कॉन्सेप्ट सोचने में कभी 2-3 दिन भी चल जाते लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो एक हाँ एक 4 घंटे 5 घंटे में लिख देता हूँ। दिल का काम है भैया दिमाग का काम है क्या करना दिल बोले तो लिखने का तो पूरा दिल ही रहना पड़ता जबरदस्ती बैठे तो एक लाइन भी नहीं लिख सकते लिख भी दे तो वीडियो चलता नहीं। अच्छा पहले के कई सारे वीडियोस बनाए आप जैसा कि अभी बोले कि आप ही कैरेक्टर्स कर लेते थे और हमला भी देखे भाई आप ही कैरेक्टर्स कर लेते थे और आज जो है आपके पास रियल कैरेक्टर्स है तो पहले के वीडियो में और आज के वीडियो में कितना फर्क महसूस करती है कितना फर्क है कितने चेंजेस आ गए? पहले का और ज्यादा फन वे में करते थे समझो जब दोस्तों के साथ करते थे अब थोड़ा प्रोफेशनल वे हो गया बिल्कुल पहले एकदम मतलब खाली हंसी मजाक में निकल जाता था वो बहुत वो यूट्यूब दौर का बहुत अलग एक्सपीरियंस था लोग भी हंसी मजाक में आ जाते थे बहुत फन रहता था इससे ज्यादा फन वो रहता था कोई भी है दोस्ता खत्म दोस्तों को लियो बना दो सीन रहता था तो बहुत मजा आता था। पहले के वीडियो में आज के वीडियो में क्या चीज की कमी है या क्या चीज जो है आज डेवलप हो गई पहले नहीं थी कैसे चीजें जो जब यूट्यूब का दौर हर कोई वैसी वीडियोस कर रहा था ऑडियंस को वैसी पसंद आ रहा था लेकिन आजकल क्वालिटी वाइज हर कोई हर यूट्यूबर 4K में डाल रहा साउंड वाउंड जरूरी है अच्छा रहना और आर्टिस्ट रहना अगर अब वैसा करके वीडियोस डाले तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते प्रोफेशनल हो गया एकदम हर चीज़
ओटीटी आके भी बहुत ज्यादा हो गया से तो भाई, और बीच में आईपीएल आईपीएल आया तो व्यूज और भाई मैच की पब्लिक भाई कितने ही बार पोस्टपोन कर दे तो अरे आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है ना, तो डालना ही नहीं उससे अच्छा। कभी कभी ये सिचुएशंस पे भी नहीं आते, देखिए व्यूज कोई जो है कुछ जैसा कि आईपीएल है और कुछ और ऐसे चीजें रहते जब डाल नहीं आते व्यूज, जैसा पठान रिलीज हुई पठान के टाइम भी नहीं आएगा ऐसा तो हो रहा है एक्सपीरियंस आईपीएल में होता जो है वो रहती वहां पे, आईपीएल में तो 100% होता। अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्या है आपकी लाइफ का जो आप कभी भूल ही नहीं सकते? एक तो यूट्यूब फैन फेस्ट 100% पहली बार जब मोनेटाइज हुआ वो नहीं बोल सकते मोनेटाइज वो रेड कार्पेट का बात करो मुंबई में जाके एक वो बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। और दूसरी चीज YouTube बटन्स जो मिलियन 1 मिलियन फॉलोअर्स टच करना भी बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिल्कुल ज्यादा। आप तो 2 मिलियन के पार चले गए, जल्दी 10 मिलियन हो गए, डायमंड आने वाला है। तो एक अंदाजे से कितना टाइम लगेंगे आपके हिसाब से, आपकी जो स्पीड है और आपके जो फ्यूचर प्लान के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? अगर अगर ये कंटिन्यू करा मैं आई डोंट थिंक 10 मिलियन तो टच हुएंगे। अगर कुछ चेंज करा जैसा मैं बोला, चेंज करते रहना पड़ता है। यूट्यूब का आई थिंक यूट्यूबर का एक एक लाइफ लाइन बोलते जो भी बोलते एक रहता है, 3 साल 4 साल तक पब्लिक बहुत पसंद करती है, उसके बाद कंटेंट चेंज होना बोलती पब्लिक खुद बस जाती है। अब चेंज करे तो वो पसंद भी आना। नूर भाई के डाले 5-6 साल से नूर भाई का कैरेक्टर तो अब फिर अज्जुअल मारी बोल के करे। मेरा फेवरेट तो अज्जुअल जो है बहुत अप्रिशिएट करे, मेरे को बहुत खुशी हुई आपका मैसेज जब आया था, ब्लॉग में भी बोला था, नींद नहीं आई मेरे को रात में कहीं भी। अच्छा आप जो है हाल में जो है अपना न्यूली जो है अपना मर्चेंटाइज है अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे थे आप कुछ क्लोथिंग, लेकिन उसके बाद उसका अपडेट ही नहीं है कुछ नहीं। क्लोथिंग में ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, डिजाइन पे भी ज्यादा फोकस नहीं करा था, जैसा मैं वीडियोस पे जितना तवज्जो देता हूँ उतना क्लोथिंग में ध्यान है मैं। तो अब रियलाइज करा जब ऑडियंस का रिएक्शन देखे कि इस पे भी बहुत ज्यादा मेहनत है, तो अब नेक्स्ट पूरा रीब्रांडिंग करना है इंशाल्लाह, उसको थोड़ा टाइम लेके अच्छे से स्टार्ट करने का है। वो दिनों में आ जाएगा कब लोग? आई थिंक अभी रमजान के बाद ही छूंगा, न्यू नेम भी चेंज करना है। स्टोर वगैरह भी आप डालेंगे ना? सिर्फ ऑनलाइन? नहीं नहीं सिर्फ ऑनलाइन ही है अभी। अभी नाम वाम चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है आपकी। इधर हैदराबाद में क्या है बोले तो क्लोथिंग का रॉ मटेरियल बहुत, जैसा अपने को टी शर्ट जो लेते हैं अपन प्रिंट के वास्ते, इधर बहुत बहुत कम है, तो वो भी सोर्स देखने का है उसका बहुत, उसके पीछे बहुत कंधे हैं। वैसे ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में जब स्टार्ट करा स्टार्ट करे बाद मालूम हुआ कि कितने कंधे हैं इसके पीछे, बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना है इंशाल्लाह रमज़ान के बाद तक। कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, कॉम्पिटिशन तो वो बाद में रियलाइज़ करा मैं, ऐसा कॉम्पिटिशन का तो सीन ही ना रहता भाई, अपना चैनल चलाना है वही दिमाग में है आजकल तो, कि कोई कुछ भी करो अपने को व्यूज लाने का है, दैट्स इट। अच्छा कभी आप ऐसा करें कि कोई महंगे सैलून में जाके बाल कटाए 6,000-7,000 रुपए की कटिंग करा ली, 7,000 कभी एक महंगे सैलून में जाके आप कटिंग कराए, कटिंग वटिंग करा के एक सेट कर लिया आपका हेयर स्टाइल, उसके बाद बस्ती की हज्जाम को आके बोले अरे भाई ये देख ले ऐसे ही करना है, देखो बोल के 50 रुपए में वहाँ पे कराए। ऐसा तो नहीं हुआ कभी मेरा, शुरू बहुत 5-6 साल से एक ही लक्ष्मण बोल के उन्हें ही बाला काटता, उन्हें जहाँ भी जो भी सैलून में उस कुछ फोन करके उसके बाद जाता, उन्हें 3-4 चेंज कर दिया, बहरहाल वैसा है समझो सीन। जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? मुश्किल वक्त तो ऐसा अलहमदा ऐसा नहीं आया, लेकिन स्ट्रेसफुल जो बोले तो मेरा जो फैमिली वीडियो से पहले जैसा चैनल डाउन हो रहा था ना, वो बहुत गलीज पीरियड था भाई, एकदम सबसे गलीज व्यूज आ रहे थे, जब समझते नहीं आ रहा था करना क्या है, वो बहुत 3 साल पहले की बात है, वो बहुत गलीज पीरियड था। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? डर व्यूज कम नहीं होना। हाँ वही सोर्स ऑफ इनकम ही रहते हैं भाई, सबसे बड़ा डर तो वही रहता है कि इनकम आपकी जब कटने का ही डर रहता मेन, वही है कि जैसा चल रहा वैसे ही चलते रहना। लेकिन ये चीज जैसा कि गुल्लू भाई बहुत अच्छी बात बोले हमेशा इंटरव्यू में बोलते हैं कि आर्टिस्ट है फेम है जो हमेशा नहीं रहता, कोई भी फिल्म है हमेशा एक चीज तो रहने वाली नहीं है, एक टाइम तक है एक हद तक है, तो पहले से हम जो है वो चीज को माइंडसेट बना देना। गुल्लू भाई बहुत अच्छी ये बात बोले और मैं भी ये चीज को कोशिश करता हूँ अमल करने की।
मैं भी कोशिश करता हूँ फेम का तो मेरे को उतना है भी नहीं भाई फेम रहना बोल के मेरे को तो आई थिंक हैदराबाद डायरीज अब तो एक एज एक बिजनेस प्रोडक्शन हो गया फेम का तो मेरे को शुरू से ही नहीं है कि फेम रहना व्यूज आना पैसे आना है ऑनेस्टली वही चाहिए फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप फ्यूचर में आई थिंक हैटेक सिटी पे जी अब तो ये अपना यूट्यूब प्रोडक्शन को बढ़ाते रहने का है और भी एक दो हाँ वैसा करना है समझो एक दो तीन चैनल्स रहे और साथ में अब मेरा क्लोथिंग का भी बहुत मेरा पैशन है क्लोथिंग भी करना बोल के उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा जैसा अब यूट्यूब कुछ कमाने 7 साल लग गए उसके पहले तो इनकम थी नहीं 15,000-20,000 रुपये आते थे लेकिन जैसा अब क्लोथिंग को भी टाइम लगने वाला है तो बहरहाल मेरा मेन जो दो चीज़ें जो पसंद है को वीडियो बनाना और कपड़े क्लोथिंग इंशाल्लाह वही करेंगे तो फ्यूचर में अपने आप को वहाँ देखते हैं हाँ इंशाल्लाह अपने बिजनेस में अच्छा आपकी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा पूछते ही याद नहीं आता देखो एम्बैरेसिंग नहीं आ रहा भाई मेरे को याद करिए कोई ना कुछ ना कुछ तो आ जाता है स्कूल के टाइम पे बचपन में जवानी आपका क्या था भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट जी आपका क्या था मेरे बहुत रोज होता मेरे घर में जाता हूँ अरे भाई मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम को जाके बोल के 2 मिनट में वापिस आता हूँ अरे कर लिए जाके आगे क्या अरे नहीं वहाँ पे पानी नहीं है पानी लेने जा रहा हूँ अब लोगों के बोलना पड़ता शर्मिंदगी डेली का है मेरा तो मतलब ये आदत पड़ गई मेरे एम्बैरेसिंग नहीं हुआ ये तो रूटीन हो गया रूटीन हो गया कोई बचपन में जवानी में स्कूल में कॉलेज में दोस्तों के साथ कहीं गए तो खाने की जगह पे होटल्स में शूटिंग पे एम्बैरेसिंग तो ऐसा तो नहीं है भैया सोशल मीडिया पे एक वीडियो है कई सारे यूट्यूब चैनल पे शाहरुख के अदनान लाइफस्टाइल बोल के अरे वो तो उसमें जो है आपकी कार कलेक्शन के बारे में बताया गया कि आपके पास एक i20 है जिसकी कीमत है 6,85,000 और आपके पास एक स्विफ्ट डिजायर है 8 लाख रुपए की और एक महिंद्रा XUV है 500 16 लाख रुपए की एक गाड़ी है मेरे पास जी जीप जी वही चलाता हूँ कब से i20 थी लेकिन पहले अच्छा पहले थी हाँ लेकिन तो ये दो कारा मिसिंग है आपके तो जो भी ये वीडियो डाले ये शाहरुख भाई के कारा है बोल के तो ना जरा पहुंचा दीजिए शाहरुख भाई के घर तक व्यूज क्या हंसते हो लाइफस्टाइल के वीडियोस तो पूरे फेंक रहे होते रहते हाँ भाई हमारे घर में देख के मेरे को पूछे मेरा भी बना है भाई शहबाज खान लाइफस्टाइल बोल के अरे वो कहा है तुम्हारे गाड़ियां वो पैसे कहां तो भी हम लोग से क्या छुपा रहे तुम बोल के घर में अब शक करना शुरू कर दिया मेरे को अपन देख के सोच लेता ऐसी तो भी रहना था लाइफस्टाइल बोल के और जो है मंथली इनकम 1-2 लाख रुपए बताए आपकी बिल्कुल सही है 1-2 लाख ऐसा सच्चाई उगलाना देखो बिल्कुल सही है ऐसा सच्चाई उगलाना देखो उसमें आप एक जो है एक 200-300% बढ़ा लीजिए नेटवर्थ 10 लाख कहते ये तो बहुत कम कर दिया मेरे को अच्छा नहीं दिखा बोलना भी नहीं चाहता हूँ भैया अब बैंक में बहुत ज्यादा है वो नेटवर्थ तो शाहरुख भाई अब एक लास्ट सेगमेंट है हमारा रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको बिना सोचे बिना कोई टाइम लिए एक जवाब देना है सवाल का सेट सेट जी शाहरुख का बचपन या शाहरुख की जवानी जवानी 100% कई को जवानी अकल है बहुत सीधा समझते हो सही बोले जवानी बचपन बहुत बोर था बचपन सबसे डेंजर कौन है रियल वाइफ या रियल वाइफ रियल 100% आर्टिस्ट वो मैं लिखता हूँ डेंजर नहीं आप ये घर को जाना है बल्कि भी थोड़े नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत आपकी बरकरार रखे हमेशा बेस्ट आर्टिस्ट जैनब या आरती जैनब शरफू भाई की डॉक्टरी या अम्मी के घरेलू नुस्खे अम्मी के घरेलू नुस्खे 100% उन्हों कुछ भी करो उनका ही बेस्ट रहता एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करिए एक वर्ड प्रेजर दे दिए भयंकर एक वर्ड में राइटर क्योंकि मेरा हमेशा दिमाग वही चलते रहता कुछ भी मैं आजकल तो ऐसा हो गया भाई मैं आर्टिस्ट बोलना चाहूंगा आपको अरे थैंक यू भाई मैं आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह से परफेक्ट हैं अपने ये जो भी आपकी फील्ड है अपने आर्टिस्ट और शाहरुख की कॉमेडी या अबरार भाई की पहलवानी कॉमेडी शाहरुख की कॉमेडी
तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू, आपसे बात करके जो है बहुत अच्छा दिखा और अरे हो गया को इतना टाइम दिया। और आपने बोलना चाह रहे तो आप अपने तरफ से भी बोल सकते। अरे बहुत मजा आया भाई दूसरों के पास करके, बहुत एकदम रिलैक्स फील और बहुत अच्छा दिखा इंटरव्यू करके। थैंक यू। और आप कुछ बोलना चाह रहे या फिर हम आपको कुछ ऐसा चीज देना चाह रहे तो बिल्कुल, कॉन्टेंट देना चाह रहे तो बिल्कुल कुछ बारे में बोल सकते आप। अब क्या बोलूं, और बस ऐसी ही है शो कंटिन्यू। अच्छा, करो। यूट्यूबर जो है, अपन यूट्यूब की बात करें, छोटा सा यूट्यूब के बारे में एक दो, ताकि देखने वालों को भी कुछ फायदा हो सके। आप अभी आप बोले कि आजकल जो नए यूट्यूबर्स बनेंगे हैदराबाद में, यूट्यूबर्स का फ्यूचर उतना नहीं है बोल के, तो इसके लिए उन लोगों को अगर इसमें फ्यूचर बनाना चाह रहे या यूट्यूब से रेवेन्यू कमाना चाह रहे या यूट्यूब पे करना चाह रहे, तो क्या आप सजेशन देंगे उन लोगों को? यूट्यूब पे अब आगे बढ़ना बोले तो, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना बोले तो बहुत हटके कंटेंट करने का है कि आज तक जो कोई करे नहीं। अच्छा, ये अपन जितने भी अपन अपनी कम्युनिटी है, जितने भी हमारे दूसरे भी यूट्यूबर्स है, कई सारे यूट्यूबर्स है, पूरे सिमिलर कंटेंट आता हर जगह और हर कोई ये बोलते हैं। और हैदराबाद आप भी देखते होंगे ये चीज, हैदराबादी कंटेंट बस पूरा हर जगह खाली मियां बीवी चलते रहता। अब सब यूट्यूबर्स को वही है भाई कि व्यूज बढ़ाना है, अब सबका वही चलती रहती टेंशन, जो चला डाल देते बना। मेरा मानना क्या बोलते, अपनी ओन क्रिएटिविटी भाई, कॉपी भी करो, क्योंकि हम भी कॉपी करें, हम जब स्टार्ट करें तो हम जो है कोई अपना ओन कंटेंट नहीं लेके, खुली बात, क्योंकि जो भी स्टार्ट करता है किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेके, किसी को देख के। अब हम स्टार्ट करें हैदराबादी मूवीज को देख के, हमको एक अरे क्या लैंग्वेज, उसके बाद यूट्यूब देखे, आप लोगों का चैनल देखे, हैदराबाद डायरीज, बैगन वाइन्स, और एक 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 रेहान बिहार का एक चैनल था उनका, एक कंट्री गाइस, ये आप लोगों के चैनल थे पहले हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे, वरंगल डायरीज आपके पास आया था, तो ये लोगों को देख के हम भी इंस्पायर हुए। कॉपी भी करें, कॉपी इन द सेंस सेम टू सेम कॉपी नहीं करें, आइडिया अरे भाई ये अपन बनाए तो कैसा बना सकते, सही है। वो चीज करें, तो कंटेंट जो है आप कॉपी करिए लेकिन अपने अंदाज में उसको प्रेजेंट करिए, सेम टू सेम कॉपी मत करिए। और खासकर अगर ज्यादातर आजकल फेमस होना बहुत है लोगों को, टैलेंट रहता नहीं रहता बनाना उसके, क्या सोच लेते हैं भाई कि भाई भी एक चार वीडियो बना दिया तो जाते ही खाली दरवाजा खोलते ही 150 लोग आ रहेंगे, लोग खाली पैसे देके बोलेंगे, ये सोचते रहते 100%। और हमारे वालों अंदर का फेम के चक्कर में है तो सक्सेस तो नहीं होते भाई, सक्सेस नहीं। अभी मैं जैसा बोला गुल्लू भाई की, हम अदनान साजिद खान साहब की जो है बहुत जबरदस्त बात है, उन्होंने पर्सनली भी बोलते, कई सारे इंटरव्यूज में भी बोला कि आप इसको सर पे नहीं आने देना, आप इसको 100%, क्योंकि सर पे आ गया तो आप एक प्रिपेयर रहते, अरे भाई मैं जाते कि मेरे यहाँ से लोग खड़े हुए रहेंगे, अरे मेरे को हर कोई इज्जत देगा, ये आपके दिमाग में प्रिपेयर रहते आप, फिर जब डिप्रेशन में आता आदमी खत्म होता है उसके बाद, अब आप एक्सपेक्टेशन है आपकी नहीं मिली तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो चीज अपन एक्सपेक्ट ही नहीं करना, ऊपर वाले से दुआ करना है बस, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इतना खुल के हमारे साथ बात करें, क्योंकि आप इतनी बात टाइम के साथ बात करना चाहते। अच्छा, फिलहाल आप ब्रेक लेने की सोच रहे आप? अब तो ब्रेक ले लिया, तो फिर वीडियो आएंगे नहीं आएंगे, बैंक अब है स्टार्ट करना है, अब कल से काम शुरू करूंगा, मैं आपके चैनल का वेट कर रहा था, जैसा गोवा की ट्रिप का लास्ट वीक खाली तो तीन दिन बैठ पे था मैं। अगर हमारे चैनल के थ्रू करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके नए प्रोजेक्ट किया जो भी है कुछ। अब तो अपने को मूवी करना है भाई, बिल्कुल आप भी है वो कैरेक्टर डाली भाई, बिजी हूं यहां से, जरा प्लीज कोई भी फोटो ना लगो करो, मैं हैदराबाद डायरीज के साथ मूवीज कर रहा हूं, इंशाल्लाह खत्म, अब यहां से अलग रहेंगे, ईद पे डालेंगे पूरे, जरा थैंक यू शाहरुख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे और आपके पसंदीदा यूट्यूबर शाहरुख के अदनान, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है जो कि हमारे नए नए आर्टिस्ट, जो जो नए नए यूट्यूबर आना चाह रहे इस फील्ड में, उन लोगों को भी कई सारे चीजें सीखने को मिले होंगे। तो आज के शो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक अगले गेस्ट के साथ, किराक सवाल पूछेंगे, किराक किराक बातें करेंगे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यह भी कमेंट करिए कि अगले बैठक शो में बैठक किसके साथ जमाना है, किसको बैठक शो में बुलाना है, कमेंट करके बताइए। बाय।